आपको यहाँ तक समझ आया है? अभी जो ब्रिज जॉइंट है, स्क्रीन दिख रही है? यस ब्रिज जॉइंट बिल्कुल जैसे सस्पेंडेड जॉइंट था ना, सस्पेंडेड जॉइंट में भी क्या था, यहाँ पे ये जॉइंट के नीचे कुछ नहीं था ना, ठीक है? तो ये लेकिन ब्रिज जॉइंट में बस फर्क क्या है, ये भी बिल्कुल सस्पेंडेड जॉइंट जैसा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लियरली दिख नहीं रहा है, लेकिन इन्होंने एरो से शो किया हुआ है। ये स्लीपर के यहाँ से ना एक प्लेट सी शुरू हो रही होती है, इस वाले स्लीपर तक, तो मतलब लेकिन जॉइंट पूरा कवर करके जा रही होती है, ठीक है? एक मिनट में इसको इरेज करके अब ध्यान से देखना जरा, इसको ध्यान से इस डायग्राम को देखो। यहाँ पे ये आपको दिखा रहे हैं एरो इन्होंने शो किया हुआ है इधर ब्रिज प्लेट के लिए, ये वाला। तो कहने का मतलब क्या है, ये स्लीपर, स्लीपर के ऊपर यहाँ पे एक प्लेट रखी गई है, जॉइंट के नीचे एक ब्रिज प्लेट, प्लेट ब्रिज सब मतलब ब्रिज की तरह कह लो, ठीक है? यहाँ पे प्लेट रख दी जाती है बिल्कुल सस्पेंडेड जॉइंट की तरह, लेकिन सस्पेंडेड जॉइंट के नीचे कोई प्लेट नहीं थी, ना ही कोई उसके जॉइंट के नीचे था। बस यहाँ पे फर्क क्या है ब्रिज जॉइंट के अंदर, कि यहाँ पे इन्होंने स्लीपर के ऊपर एक प्लेट रख दी है, जो कि प्लेट क्या है, इस जॉइंट को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, ठीक है? तो बेसिकली क्या है इसमें, बस एक ही डिफरेंस है कि हमारा जो ये है, इसके नीचे सिर्फ एक ब्रिज प्लेट लग गए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये आपकी बेसिक बस इतनी ही टाइप्स आती हैं। इसको और ध्यान से देखो, ये इसकी सेकंड टाइप ब्रिज प्लेट है, ठीक है? लेकिन इसको प्रॉपर, इसमें प्लेट की शेप जो है ऐसी थोड़ी कर्व सी आपको दिख रही होगी, ठीक है? ये भी रेल है आपकी, इधर ये रेल है, ये इधर ये रेल है, ठीक है? ये भी रेल है, ये आपका जॉइंट है, यहाँ पे जो प्लेट है वो थोड़ी इस तरह से ही कर्व है, कर्व प्लेट, ठीक है? इसको सपोर्ट करने के लिए। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स के जॉइंट्स आए, कौन कौन से थे? सबसे पहला जो हमारे पास आया, एक बार बताइए, हमारे पास बेसिक टाइप्स आई। अगर बात करें हम स्लीपर्स की पोजीशन के हिसाब से, सपोर्टेड रेल जॉइंट जो जिसके नीचे हम लोगों ने सपोर्ट किया होगा, सस्पेंडेड जिसके जॉइंट के नीचे कुछ सपोर्टेड नहीं था, ठीक है? थोड़ी रेल प्रोजेक्टेड थे। एंड थर्ड हमारे पास क्या आई थी, ब्रिज जॉइंट। ब्रिज जॉइंट में क्या था, सस्पेंडेड की तरह ही था, बस नीचे एक नीचे ब्रिजिंग प्लेट लगा दी गई, ठीक है? बस डिफरेंस इसमें ये था, उसके नीचे कुछ नहीं था, यहाँ पे इसके नीचे एक मेटल प्लेट लगा दी गई जो कि इसको हेल्प करती है इस वीकर सेक्शन को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाने के लिए। बस ये हमारे बेसिक जॉइंट्स, बस इतने टाइप के हमारे जॉइंट्स थे, ठीक है? रेल जॉइंट्स में किसी को कोई दिक्कत हो, आई विल शेयर द नोट्स, ये वाले पूरे, इसमें कोई कुछ पूछना चाहता हो पूछ सकता है। स्लीपर की पोजीशंस के लिए तो ये हमारे पास ये तीन थे, सस्पेंडेड, ठीक है, सपोर्टेड एंड ब्रिजिंग वाले। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसकी पोजीशन ऑफ जॉइंट्स के हिसाब से, तो स्क्वायर जॉइंट, स्टैगर्ड जॉइंट। स्क्वायर जॉइंट कौन से थे, जहाँ पे बिल्कुल जॉइंट्स क्या थे, आमने सामने थे एक दूसरे के। एंड स्टैगर्ड में क्या था, अपोजिट जॉइंट्स थे, मतलब आमने सामने नहीं थे, अलग अलग, ये इधर फिर एक इधर जॉइंट था, एक इधर जॉइंट था, ताकि कॉन्टिन्यूटी ऑफ रेल के जो जॉइंट्स थे, ये पूरी रेल जा रही है लेकिन जॉइंट्स एक दूसरे के अपोजिट नहीं थे, ठीक है? तो बस इतना ही आज आपको बताना था, रेल जॉइंट्स, फास्टनर्स हम बाकी जब मंडे को लेक्चर होगा तब करेंगे। इसमें किसी को कोई कुछ डाउट हो, पूछना चाहता हो तो पूछ सकता है। हाँ जी बोलिए, हाँ या ना कुछ तो बोलिए, एकदम कोई रिस्पांस नहीं होता तुम लोगों का भैया। नो डाउट मैम। आई विल शेयर द नोट्स, ठीक है, जो इसके हैं। थैंक यू क्लास, यू कैन लीव। थैंक यू मैम।